गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे, घर पे हैं, सुरक्षित रहिए, ठीक है। आप जम के पढ़ाई कीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव कीजिए। आपके लाइफ में यदि कुछ करना है तो आपको अपने से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी चीज का दृढ़ निश्चय नहीं कीजिएगा तो आप कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। दोस्त, अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट भाइयों को क्या होगा कि आप बैठे बैठे बोर होते हुएगा रूम पर, ठीक है। आपको बोर होने की जरूरत कहाँ है? आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई मिल रही है और आप रिविजन कीजिए जो पीछे पड़े हुए हैं आपके, और हर विषय का आप तैयारी कीजिए। चलिए दोस्त, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे हम आपको बात करते हैं, कल हम कुछ सवाल दिए थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, तो आपको फिर हम आगे बता रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की एक क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स है x माइनस वाई टू एक्स प्लस जेड टू एक्स माइनस वाई थ्री जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस वन फाइव जीरो फिर है 13, फिर मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और ओमेगा। ध्यान समझिएगा, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपको कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप बताइए कि इसमें एक्स और वाई जेड और ओमेगा का मान कितना होगा। ये आपको क्या करना है, बताना है। ध्यान समझिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए इसको हम आपको दिए थे सॉल्यूशन करने के लिए, क्या कह रहा है आपको, डायरेक्ट आप कीजिएगा हेयर, इसका जो सॉल्यूशन होगा। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा हेयर, हेयर जो दिया गया रहता है वो हम पहले लिख लेते हैं। हेयर यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई फिर टू एक्स प्लस जेड थ्री जेड प्लस ओमेगा, इसके इक्वल टू में एक मैट्रिक्स दिया गया है माइनस वन फाइव जीरो फिर 13। आपको कहे थे इक्वल मैट्रिक्स वही हो सकता है जिसकी ऑर्डर सेम होगा। सर कह भाई क्या का ऑर्डर है, आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कितने बाई कितने का है। ध्यान से देखिए, आपको यह जो है दोनों मैट्रिक्स 2x2 का है, इसमें आपसे एलिमेंट की संख्या पूछेगा, इसी का नाम एंट्रीज भी है, एंट्रीज को भी हम लोग एलिमेंट कहते हैं, एंट्रीज पूछे या एलिमेंट पूछे तो आप जवाब दीजिएगा उसके एलिमेंट की संख्या कितना है, 4 वो है उसमें, 4 एलिमेंट्स है। फिर आइए आगे उसका हल करते हैं। आपको कहे थे जब भी इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब संगत एलिमेंट, उसके आमने सामने के जो भी एलिमेंट होगा जस्ट उसके सामने सामने के वो आपको क्या होगा, इक्वल होगा। आइए देखिए इक्वल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, फिर आपका 2x प्लस 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मानिए, फिर आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2x, देखिए यह फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला आपको सेकेंड के इक्वल, फिर थर्ड वाला थर्ड के इक्वल और फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है आपका, 2x plus z equal to 5, इसको आप इक्वेशन थर्ड मानिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा आपको क्या है, 3z plus omega equal to 13, इसको आप मानिएगा समीकरण 4। अब यहाँ आपको पहले तो x y का हल करना होगा, क्योंकि x y वाला आपको दो गो समीकरण है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या है, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो एक्स वाई एक्स वाला यहाँ है, उस दोनों को हम हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकलेगा, जो समीकरण एक्स का मान हम 3 में रखेंगे तो फिर जेड का मान निकलेगा, उसके बाद जेड का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो फिर ओमेगा का मान निकलेगा। आइए बारी बारी से हम हल करते हैं। देखिए आप क्या, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में बताया था आपको क्या, लुप्तीकरण से हल करना है। लुप्तीकरण से हल करने के लिए आपको कहे थे कि जिसको आपको काटना है पहले उसको अपने माथा में सेट कीजिए, तो आपने क्या y को, हमने बोले था क्या y को आप सेट कीजिए, अब y आपके माथा में सेट होगा कि हमको हर हाल में y को काटना है, तो y की यहाँ संख्या देख लीजिए कितना है, यहाँ पर y की संख्या क्या है 1 है,
यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, और यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस, दोनों समान चिन्ह है। कल आपको बताया थे कि समान चिन्ह होगा तो घटाव कीजिएगा और डिफरेंट चिन्ह होगा तो आप क्या कीजिएगा जोड़। तो फिर आप देखिए समीकरण वन और टू का आप देखिए यहाँ वाई वाई क्या है माइनस माइनस है, आप जोड़ कीजिएगा। आइए देखिए ऐड कीजिएगा, आइए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण एक में से दो को हम घटा रहे हैं, ठीक है। आप दो में से एक को भी घटा सकते हैं और एक में से दो को भी घटा सकते हैं, हम वन में से टू को घटा रहे हैं। देखिए समीकरण वन है मेरा क्या x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, फिर आपका समीकरण दो क्या है देखिए यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, हम घटा रहे हैं आपको। देखिए बीजगणित का घटाओ में आपका सिंपल सा बात है क्या, नीचे वाले चिन्ह को आप चेंज कीजिए। आइए यह माइनस जीरो तो माइनस प्लस रहता ही है, फिर यहाँ क्या होगा क्या आपका माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यह क्या है प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, नीचे वाले चिन्ह को हम बदल दिए। आइए उसके बाद आपको क्या करना है घटा रहे हैं, अब घटाइए देखिए यहाँ पर यह क्या होगा प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई क्या होगा आपका कट जाएगा, यहाँ माइनस टू एक्स है यहाँ पर एक्स है प्लस में, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस वन, माइनस से माइनस इधर कट जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका वन है। फिर आपको क्या करना है पुटिंग करना है, एक्स का मान रखिएगा कहाँ समीकरण वन और टू दोनों में रख सकते हैं, हम रख रहे हैं कहाँ ध्यान से देखिए समीकरण हम एक्स इक्वल टू वन का मान एक रख रहे हैं, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, पुट रखने पर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान इन इक्वेशन समीकरण एक में, यहां से देखिए एक्स का मान समीकरण एक में हम रख रहे हैं, समीकरण एक आपका क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स को हटाइए और उसके मान को बैठाइए, एक्स के स्थान को उसके मान को हम रख दिए वन, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, फिर आप यहाँ से हल कीजिएगा तो माइनस वाई इधर आएगा और माइनस वन फिर यह वन उधर जाएगा, क्या समझेगा साइड चेंज तो साइन चेंज, प्लस में है वन उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वन और माइनस वन आपका हो गया माइनस टू, इधर आपका माइनस वाई है फिर माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो फिर से आपका क्या आया वाई बराबर टू आया। देखिए ध्यान से एक्स इक्वल टू वन आया, वाई इक्वल टू टू आया। अब हमको आगे की बात करना है, क्या करना है आगे ध्यान समझिएगा, अब एक्स वाई का मान हमको मिल गया, समीकरण तीन में दिया हुआ है एक्स जेड, तो एक्स का मान हमको पता है जेड का मान वहां से निकल जाएगा, क्या रखेंगे एक्स को रखेंगे। आइए देखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, आप थर्ड में रखिए फिर किसको एक्स के मान को, क्यों क्योंकि जेड का मान हमको निकालना है थर्ड में, देखिए आप रखिएगा तो आपका आएगा 2x प्लस जेड बराबर 5, फिर आप देखिए x को हटाइए उसके मान को बैठाइए, x का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 रखिए आप 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5 आपका, फिर यहाँ पर क्या जाएगा देखिए 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2 आएगा प्लस जेड अब बराबर आपका 5, फिर यहाँ से जेड को इधर रहने देंगे और 2 उधर जाएगा तो साइन चेंज, तो साइन चेंज 2 उधर जाएगा, फिर आपका 5 माइनस 2 होगा, 5 में से 2 को आप घटाइएगा तो 3 आएगा जो आपका जेड का मान हो गया जेड इक्वल टू 3। फिर आप समीकरण 4 में डब्ल्यू है मतलब ओमेगा, सॉरी ओमेगा है, आपको क्या करना है 3z प्लस ओमेगा है, तो आप यहाँ फिर जेड का मान को पुट कीजिएगा, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में x जेड का मान रखने पर, आइए जेड का मान हम रखते हैं कहाँ समीकरण 4 में, समीकरण 4 आपका क्या है 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, आप देखिए जेड को हटाएंगे उसके मान को बैठाएंगे जो आपका जेड अभी निकाले हैं कितना है 3 है, रख दीजिए 3 इंटू जेड, जेड का मान कितना 3 प्लस आपका ओमेगा, ठीक है फिर बराबर 13, आप यहाँ से क्या कीजिएगा ओमेगा बराबर देखिए 3 तिया कितना होगा 9 और उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 13 माइनस 9, 13 में से 9 को आप घटाइएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 4 आएगा, यह आपको ओमेगा बराबर आ गया 4, आप लिख दीजिए हेंस चारों चीज का मान निकल गया, हेंस एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 ठीक है एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका है 3, फिर देखिए
ओमेगा इज इक्वल टू है 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों जब भी आपको दिक्कत हो वीडियो देखने के समय तो आप हमें कॉल कीजिएगा, आपका सलूशन वहीं पर मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत, चलिए देखिए जब भी दिक्कत होगा हमें याद कीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन होगा तो ध्यान समझिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होगा आपका दूसरा क्वेश्चन का। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा कह रहा है कि इफ, फिर है आपका 2a + b, फिर है 5c + d, फिर यहाँ देखिए a - 2b 4c + 3d, इसके इक्वल टू में आपको है एक मैट्रिक्स 4 - 3, फिर है 11 और 24, मतलब 24। आइए देखिए कहता है फिर क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d। ए बी सी और डी का मान निकालना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2a + b है, फिर 2a- मतलब a - 2b है, फिर यहाँ 5c + d है, 4c + 3d है। इसके इक्वलिटी में एक सेम मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4 - 3, 11 और 24। आप इसको क्या कीजिएगा, मान निकालना है a और b का, आप सीधा इक्वल कीजिएगा। आपको भी बताया है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वह समान होगा, इक्वल होगा, फिर वहां से आप क्या कीजिएगा मान निकालिएगा। देखिए 2a फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं क्या, हेयर हेयर, यहाँ आपका क्या होगा, देखिए आपका जो भी दिया गया मैट्रिक्स है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। दिया गया मैट्रिक्स है 2a + b, फिर है 5c + d, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से a - 2b, फिर आपका 4c + 3d, ठीक है, बराबर आपको है क्या 4 - 3, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 24। देखिए आप यहाँ से जब ही इक्वल कीजिएगा तो आपका आएगा 2a + b = 4, जो कि आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। यहाँ से देखिएगा, फिर यहाँ देखिए a - 2b बराबर आपका दिया गया यहाँ पर -3, जो कि आपका इक्वेशन सेकेंड होगा, ठीक है। अब आइए फिर देखिए यहाँ पर आपका 5c + d इक्वल टू में आपका होगा 11, जो कि आपका समीकरण 3 होगा। फिर देखिएगा आगे आपका क्या है 4c + 3d बराबर आपका होगा 24। इसको आप क्या कीजिएगा समीकरण 4। ए बी आपका कहाँ है और सी डी कहाँ है जरा ध्यान से समझिएगा। ए और बी आपका है समीकरण 1 और 2 में, फिर आपका क्या है 3 और 4 में सी और डी है। तो पहले आप 1 और 2 को हल कीजिएगा, उस दोनों से आपको ए का मान मिलेगा और बी का मान मिलेगा, उसके बाद ए बी का काम हो गया तमाम। आप उसके आगे आप निकालिएगा समीकरण 3 को और 4 को हल कीजिएगा, तो उससे क्या होगा लुप्तीकरण से हल करेंगे, हाँ सर लुप्तीकरण से हल करेंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा समीकरण 3 और 4 को लुप्तीकरण से हल करेंगे तो आपको सी और डी का मान निकलेगा। ये देखिए क्या है लुप्तीकरण, पहले भी बताया था आपको, ध्यान से देखिएगा फिर समझिए। आप वीडियो देखिएगा और फिर कॉपी में नोट कीजिएगा, आपका यह हेयर कंप्लीट रहेगा। आइए देखिए क्या है आपका समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए कि काटना हमको किसको है, यहाँ ए भी है एक्स वाई तो है नहीं, तो आप बी को काटिए, आप बी को काटिए, बी को काटिए, तो बी का आपका जो संख्या है उसको देखिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ समीकरण 2 में बी है, बी के बगल वाला को कितना है गुणांक, उसका कोएफिशिएंट, उसी को हम लोग कहते हैं संख्या गिनते हैं। यहाँ -2 है और यहाँ पर सीधा बी है, मतलब यहाँ पर 1 भी है यहाँ 2 भी है, समझ रहे हैं सिंपल भाषा में, यहाँ 1 भी है और यहाँ 2 भी है। तो अब क्या उसको 2 करना है तो उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को भी हो जाएगा दोनों जगह, और 1 + 1 - है, क्या काटने के लिए सीधे जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 ऐड
आपका समीकरण सेकंड। समीकरण एक में दो से गुना करके हम दो को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आइए देखिए आगे, समीकरण एक में दो से गुना करने पर आपको मिलेगा कितना, 4a plus 2b equal to 8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका equal to 8। फिर आप समीकरण दो जो है वह लिख दीजिए a minus 2b बराबर minus 3। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड है, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं। देखिए जोड़िएगा तो आपका 2b से 2b कट जाएगा, इधर आपका 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 होगा, फिर आपका 4a में से 1 घटेगा, देखिएगा प्लस है 4a और a, ठीक है, कितना आ जाएगा 5a। तो 5a equal to 5 मतलब a equal to 5 by 5, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो 5 से 5 कट कर क्या आया 1। तो a का वैल्यू आपको पता चल गया कि a का वैल्यू होगा जो 1 होगा। आइए फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पुट द वैल्यू, सिंपल सा कांसेप्ट प्रूफीकरण सरल किया आपको, देखिए आप पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड दोनों में धर सकते हैं, हम फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट आपका इक्वेशन कह रहा है 2a plus b equal to 4, a का वैल्यू है तो 2a को हटाइए, उसके मान को बैठाइए, उसका मान कितना आया है 1, a को हटाइए उसके मान को बैठाइए। अब आइए b equal to 4, यहां से आपका हो गया यह 2b, फिर यहां पर 4, b इधर रह जाएगा, 4 minus 2 equal to आपका 2। देखिए बड़ी आसान है, b का मान कितना आया 2, a का निकल गया, b का निकल गया। अब आपको चाहिए c और d का मान, जी सर, तो c और d का देखिए क्या है, c और d को हल कीजिए फिर वही लुप्तीकरण से, देखिए ध्यान से लुप्तीकरण, फिर 3 में और 4 में गौर से देखिए, काटना किसको, a को फिक्स कीजिएगा, हम d को काट रहे हैं। आइए यहां पर d 1 है और यहां पर 3, समीकरण 3 में d की संख्या 1 है, समीकरण 4 में d की संख्या 3 है, तो 3 से आप समीकरण 3 में गुणा कर दीजिए, 3 को d वहां भी हो जाएगा। आइए फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 में 3 से गुणा, अब फिर क्या है, दोनों प्लस है, तो भाई समान चिन्ह तो हटाओ, ठीक है। आप समीकरण 4 ध्यान से समझिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 * 3 -4 साथ क्या कीजिए, समीकरण 3 आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 3 है आपका 5c में 3 से गुणा करना था, 5 दिया 15c, फिर यहां 3d equal to 33, 4 है यहां पर, देखिएगा आप समीकरण 4 सेम टू सेम उतार दीजिए, आपका क्या 4c plus 3d equal to 24। आइए देखिए ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा, फिर यहां घटाओ रहे हैं, हम घटा रहे हैं, देखिए ना घटा रहे हैं, तो माइनस चिन्ह घटाओ में, बीजगणित के घटाओ में नीचे को चिन्ह को आप लोग बदलते हैं, आई उसका रूल है, नीचे वाला चिन्ह को क्या कीजिए, बदल दीजिए, बदल दिए चिन्ह तो सब नीचे वाला माइनस हो गया, इधर आ पाइए d से यह d 3d से 3d क्या होगा, कट जाएगा, 15c में से 4c घट जाएगा, मतलब 15 में से 4 घटेगा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 11c। फिर यहां ये बराबर में आपका है -24 से 33 है, 24 में 33 में से 24 को घटाइए, 33 में से 24 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका, तो c = आ गया आपका 9/11, ठीक है, कितना आएगा आपका 9/11, c का मान फिर मिल गया। तो आप क्या कीजिए, फिर यहां से वही बात, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, आप क्या रखिएगा, एक दो में मत चल जाइए, किसको हल कर रहे हैं, करें 3 और 4, हां 3 4 को हल कर रहे हैं, एक दो में नहीं भाई, ठीक है, इक्वेशन कहां 3 में रखिए या 4 में, हम 3 में रख रहे हैं, ठीक है। आइए इक्वेशन 3 आपका क्या है, ध्यान से देखिए, 3 है आपका 5c, ठीक है, प्लस d इक्वल टू 11, यहां से आप d बराबर निकालिएगा तो आपका आएगा क्या, पहले तो c का मान रखिए यहां पर, देखिए 5 इनटू c को हटाइए, उसके मान को बैठाइए, 9/11 प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 11। अब यहां से देखिए d को इधर रखिएगा, पहले 9 * 45/11 प्लस d इक्वल टू 11, अब यहां से d बराबर हो जाएगा 11 - 45/11, इसका आप बटा करके घटाव कीजिएगा, देखिए यहां पर d बराबर आ जाएगा 121 - 45/11, यहां पर घटाइएगा, ध्यान समझिएगा कितना होगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, फिर आप देखिए यह 11 में से आपका 4 घटेगा, ठीक है, तो 7 * 4 = 11 बटा आपको d इक्वल टू आ गया 76/11, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब हेंस लिखिए,
हेंस आपका हेंस फाइनल आंसर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू आपका हुआ कितना 9/11 और डी इज इक्वल टू हो गया आपका 76/11। आगे आप क्वेश्चन हल कर लिए कितना, अब इक्वालिटी वाला अब हमको यहां तक विश्वास है कि आप कोई भी इक्वालिटी वाला आपको क्वेश्चन देगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपको इजीली मिल रहे एकदम बच्चा की तरह, आपको 10th भी आपको याद दिला दिए, 10th वाले गुरुजी को भी याद दिला दिए, आप सभी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, इक्वालिटीज वाला जितना भी सवाल होगा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इससे आप आगे की बात करते हैं, आपको मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको अंत में होमवर्क दे सकते हैं, आपको क्या है होमवर्क, आप बुक से भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक होगा आपका तो एनसीईआरटी के बुक से भी बना सकते हैं, या आपके केसी सिन्हा का बुक होगा तो आपको केसी सिन्हा से भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स निकालिएगा आप, एक्सरसाइज 5 का एक होगा केसी सिन्हा का आपका 5.1, ठीक है, आप वहां से बना सकते हैं, ठीक है, या एनसीईआरटी में फर्स्ट आपका मैट्रिक्स का जो होगा आप वहां से भी बना सकते हैं, 3.1 होगा आपका एनसीईआरटी में। आइए तो फिर हम आगे की बात करते हैं, आगे देखिए आपको हम सिखा रहे हैं जोर, मैट्रिक्स का जोर क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं मैट्रिक्स का जोर, आइए ध्यान से देखिए मैट्रिक्स की जोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइए सभी को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं, ठीक है, आइए देखिए फिर हम आगे की बात करते हैं, आपका क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है आपको कि टू मैट्रिक्स, दो को मैट्रिक्स होगा आपका टू मैट्रिक्स ए एंड बी एम बाय एन ऑर्डर, क्या है आपका कि दो को मैट्रिक्स ए और बी एम बाय एन ऑर्डर, ठीक है, तो देन तब क्या करेंगे हम corresponding elements are added, add is called sum of two matrix, क्या समझे कि जब भी आपको दो को मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी जोड़ और घटाव संभव है, अन्यथा नहीं, सिर्फ जोड़ और घटाव सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं, ठीक है, आइए देखिए आगे आपका क्या है, दो का आपका सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा तभी आपका एड और सबट्रैक्शन, पहले हम एड की बात करते हैं, आपका ऐड तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, याद समझाए, जब भी आपका ऑर्डर सेम हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा corresponding element संगत एलिमेंट को आप जोड़ दीजिएगा, समझे, आइए देखिए एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं, एग्जांपल है आपका क्या कि ए इक्वल टू आपका एक मैट्रिक्स दे दिया है 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड बी इक्वल टू आपको दे दिया है यहाँ पर -12 फिर -14 -18 और -20, दो का आपको क्या है जोर है, यह दो का आपको मैट्रिक्स है अभी कितना भाई कितना का 2/2 का, कितना भी भाई कितना का लेकिन सेम ऑर्डर का होगा तभी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, देन आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए प्लस बी एंड ध्यान समझिएगा बी प्लस ए, क्या क्या है ए प्लस बी और बी प्लस ए निकालिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए निकालिए, दो को मैट्रिक्स आपको दिया है वो ए है वो बी, ठीक है, आइए ध्यान से देखिए फिर आप लिखिएगा हेयर ए इज इक्वल टू 3, 5, 4, 6, ठीक है, अब इसके एंड बी इक्वल टू आप कीजिएगा -4, -14, -18 और फिर -20, दोनों का आपको क्या करना है जोड़ना है, देखिए देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू आपको ए प्लस बी इक्वल टू ए की जगह ए का मान बी के जगह बी मैट्रिक्स और दोनों को जोड़ देना, देखिए ए मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं
थ्री फोर फाइव सिक्स और प्लस देंगे बीच में, देखिएगा ध्यान से कैसे है, फिर माइनस बारह माइनस चौदह माइनस अठारह और माइनस बीस, ठीक है। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको बोले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट वाला फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ आमने सामने, मतलब कि आप इसको उठाइएगा और जस्ट इसके ऊपर बिठाइएगा और जो एक दूसरे के ऊपर होगा उस दोनों का आप ऐड कीजिएगा। आइए हम जोड़ रहे हैं, देखिए थ्री है यहाँ माइनस बारह, तो तीन में हम माइनस बारह को जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, घट जाएगा। तीन में माइनस बारह को हम जोड़ रहे हैं, देखिए तीन में माइनस बारह का आप जोड़िएगा तो आपका आएगा माइनस नौ, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, फोर में माइनस चौदह को आप जोड़िएगा तो आपका आएगा माइनस दस। फिर आप फाइव को ध्यान दीजिएगा, फिर फाइव को आप माइनस अठारह में जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर माइनस तेरह। छ को आप फिर क्या कीजिएगा, माइनस बीस में आपको ऐड करना है, छ को माइनस बीस में आप जोड़िएगा तो आएगा आपका माइनस चौदह। यहाँ आपका क्या आया, ए प्लस बी निकला, समझे। आइए फिर हम देखते हैं क्या, आपको ए प्लस बी निकल गया, हम फिर बी माइनस ए निकाला। करस्पॉन्डिंग देखिएगा, संगत तीन के साथ बारह, चार के साथ माइनस चौदह, फिर पांच के साथ माइनस अठारह, छह के साथ बीस, जोड़े तो आया माइनस नौ, दस, तेरह और माइनस चौदह, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, अब क्या आपको फिर बी प्लस ए निकालना है, ठीक है। तो फिर पहले बी है तो बी लिखिए, बी का वैल्यू है माइनस बारह माइनस चौदह माइनस अठारह फिर ये माइनस बीस, फिर आप आगे का प्लस तो प्लस, फिर ए का वैल्यू लिखिएगा तो ए का वैल्यू आपका कितना है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा, आई ऐड कीजिएगा तो देखिए माइनस बारह से फिर तीन को जोड़िएगा इसके बराबर में आपको आ जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस नौ, फिर आप माइनस चौदह से चार में कीजिएगा तो माइनस दस, अठारह से पांच में तो माइनस तेरह, बीस में छ से तो फिर आएगा आपका माइनस कितना चौदह। आइए यह जो देख रहे हैं ए प्लस बी हम निकाले तो माइनस नौ माइनस दस तेरह माइनस चौदह, फिर यहाँ माइनस नौ माइनस दस माइनस तेरह और माइनस चौदह आया है, तो दोनों हम क्या देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं। तो आपको यहाँ से आप एक बात क्या निकलता है, ध्यान से समझिएगा कि ए प्लस बी आपका जो ए प्लस बी इक्वल टू आया बी प्लस ए, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यह जो क्या है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब हुआ कि इट इज ओबे, आपको क्या हो जाएगा, यह जो है ओबे करता है, पालन करता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, यह पालन करता है, ठीक है। तो आपका यह जब भी दो मैट्रिक्स का जोड़ होगा, मैट्रिक्स का जोड़ एडिटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को यह क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। आपका जो होगा दूसरा पॉइंट कहिएगा सर, जब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है तो एसोसिएटिव को भी पालन करता होगा, हाँ यह एसोसिएटिव को भी पालन करता है। एसोसिएटिव का रूल क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट है फिर प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यह जो है आपका रूल होता है और इस रूल को भी यह फॉलो करता है मैट्रिक्स का जोड़, जो कि आपको क्या है मैट्रिक्स का जोड़ है। तो जो मैट्रिक्स का जोड़ है दोस्त, यह आपको कम्यूटेटिव लॉ को एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इट इज ओबे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यह क्या करता है आपका एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है। उसके बाद देखिएगा इसका जो इनवर्स एडिटिव जो होता है एडिटिव इनवर्स जो होगा एडिटिव इनवर्स ए का जो आप देखिए इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपको कोई कह देगा कि पांच का एडिटिव मतलब योज्य विलोम, आप नाम सुन लीजिएगा योज्य विलोम या आपको योज्य प्रतिलोम का है, ठीक है, उसी का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब जोड़ का उल्टा क्या होता है माइनस। जब भी आपसे पूछेगा एडिटिव इनवर्स तो सिर्फ उसके आगे माइनस, जैसे कि आपसे पूछेगा दो का एडिटिव इनवर्स बताइए योज्य प्रतिलोम,
या आप उसे कह सकते हैं योज्य विलोम। ठीक है, जब भी आपसे योज्य प्रतिलोम पूछे या योज्य विलोम पूछे तो आप दो का पूछेगा तो माइनस दो होगा, माइनस दो का पूछेगा तो प्लस दो होगा, तीन का पूछेगा तो माइनस तीन होगा, फिर चार का पूछेगा तो माइनस चार होगा, माइनस चार का पूछेगा तो प्लस चार होगा, माइनस वन बाई टू का यदि पूछेगा तो प्लस वन बाई टू होगा, फिर तीन बटा चार का पूछेगा तो माइनस तीन बटा चार होगा। यह क्या बताया आपको, योज्य प्रतिलोम, इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ मैट्रिक्स है तो आपको मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल एबीसीडी से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एबीसीडी मतलब आपको ए से डिनोट करेगा, कहेगा कैपिटल ए, तो ए एक मैट्रिक्स है तो ए का आप क्या बताइए एडिटिव इनवर्स, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, सिर्फ आप उसके आगे जो भी मैट्रिक्स देगा उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, एडिटिव क्या हो जाएगा इनवर्स। जैसे पांच का आपसे पूछता, पांच का एडिटिव इनवर्स देखिए, यहाँ एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ फाइव तो इक्वल टू आपका क्या हो जाता है माइनस फाइव। आपसे फिर पूछता है एडिटिव इनवर्स ऑफ सिक्स तो आप देते माइनस सिक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स, ध्यान समझिएगा एडिटिव इनवर्स, ये सब कंपटीशन है पूछता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपको इस बार हम की बार जो आपका सीटीटी आपका एग्जाम हुआ था हाई स्कूल वाला, उसमें आपका एक था एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है तो माइनस ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कह देगा आपका कि इफ ए इक्वल टू, ध्यान समझिएगा माइनस टू माइनस फोर, ठीक है फिर यहाँ पर आपका सिक्स और सेवन, तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, ज्ञात कीजिए, क्या आपको ज्ञात करना है फाइंड एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो आपको सिंपल सा बात है, क्या एडिटिव इनवर्स अभी पूछे तो आपको क्या है सोल्यूशन में, अभी आप पढ़े हैं ए का जो दिया गया है तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, तो सिर्फ इसके आगे आप माइनस लगाइएगा। देखिए ए इक्वल टू दिया गया आपको माइनस टू माइनस फोर सिक्स और सेवन, तो आपसे पूछ रहा है क्या एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा क्या माइनस ए, माइनस ए, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए एडिटिव एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इक्वल टू माइनस ए, ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए बराबर माइनस आई इन टू आपका यहाँ क्या है माइनस टू माइनस फोर फिर है सिक्स और सेवन, तो इस माइनस इसमें हम गुना करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा इस माइनस में हम इससे गुना करेंगे तो यह बन जाएगा आपका क्या टू है, तो माइनस से टू में करेंगे देख लीजिए तो माइनस टू है, माइनस से फिर गुना करेंगे तो सीधा टू हो जाएगा, फोर में माइनस से गुना तो फोर हो जाएगा, देख सब एलिमेंट में गुना कर माइनस से सिक्स में तो माइनस सिक्स, फिर माइनस से सेवन में तो आपका आ जाएगा क्या माइनस सेवन, यह आपका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। कहा से दोस्त यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आइए एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सिर्फ जब भी एडिटिव इनवर्स मतलब हो इनकी होता है उसका योज्य विलोम या योज्य प्रतिलोम, जिस चीज का पूछेगा आपसे एडिटिव इनवर्स सिर्फ उसके आगे आप एक माइनस लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, तो आइए दोस्त देखिए और हम आगे की बात करते हैं, फिर क्या है आपका जोड़, देखिए अभी हम आपको सिखा रहे हैं मैट्रिक्स का जोड़, ध्यान से समझिएगा, आपका बड़ी काम का चीज है, आपको हर साल एक न एक ऑब्जेक्टिव से रहता ही है, आप किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट करके नहीं चलिए, जो भी आपको दिक्कत है खुल के बोलिए आपका सोल्यूशन हम करेंगे। आइए देखिए क्या है आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है आइए इफ ए इक्वल टू आपको दे दिया, ध्यान समझिएगा क्या है ए इक्वल टू टू माइनस थ्री सिक्स माइनस फोर जीरो फिर टू, यह टू बाई थ्री का क्या है एक मैट्रिक्स है, जब भी पूछेगा इसका ऑर्डर कितना तो टू बाई थ्री, देख लीजिए दो गो रो है और तीन गो कॉलम इसलिए दो बाई थ्री, फिर आपसे पूछा कि इसमें इंट्रीज कितना है, इंट्रीज बोले या एलिमेंट बोले, तो आपको सिर्फ एलिमेंट की संख्या इसमें गिन लीजिए क्या करो सिक्स हुआ है, तो छह होगा आपको क्या है इंट्रीज की संख्या या आपको एलिमेंट की संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है आप ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर क्या हो गया मतलब छह होगा इंट्रीज का है या एलिमेंट का, ऑर्डर तो थ्री बाई टू। ठीक है, आप आइए आगे की बात करते हैं, हम ए इक्वल टू दिया हुआ है कि इफ ए बराबर इतना, ठीक है तो देन फाइंड आपसे पूछेगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कि एडिटिव इनवर्स बताइए, ठीक है इनवर्स ऑफ ए,
अब ए का इनवर्स पूछना है तो देखिए आपको सीधा सिंपल सी बात क्या है, सीधा लिखिएगा आप आंसर में, ठीक है। आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स जब भी पूछेगा तो ये ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू होता क्या है माइनस ए, तो आगे माइनस और ए, तो ए यहां मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिख दीजिए क्या है 2 - 3 6 - 4 0 2 है। इस माइनस से आएगा तो माइनस इसके सब एलिमेंट में, मैट्रिक्स का गुण है क्या कि उसके पास जितना भी एलिमेंट होगा उस सब में आपको क्या होगा मतलब गुना होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं था। डिटरमिनेंट में था कि से एक रो या एक कॉलम में गुना कर दीजिए वही उससे गुना हो गया, लेकिन यह मैट्रिक्स कहता है कि मेरे अंदर मेरे घर में जितना भी आपको फैमिली है जितना भी मेंबर है उस सभी मेंबर को खाना खिलाइए तब हम खाए नहीं तो नहीं खाए। मैट्रिक्स कहता है कि मेरे अंदर जितने भी सदस्य हैं उस सभी को आप खाना खिलाइए, सभी को उससे गुना कीजिए, तब यह आपका क्या हुआ गुना हुआ, अन्यथा आपका गुना गलत है। तो सब एलिमेंट को गुना कीजिए माइनस से, तो आपका हो जाएगा -2 - 3 है तो -2 - 3 - 3 से यहाँ +3 हो जाएगा, +6 है तो -6 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा ही, माइनस से यहाँ -2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं, आपको जब भी है आपको एडिटिव इनवर्स आएगा सिर्फ उसके आएगा आप माइनस लगा लीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है। अभी फिर आगे बात करते हैं हम आपसे क्या है ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुना तो है ठीक है लेकिन बाय स्केलर, किसी स्केलर से, किसी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से गुना भी नहीं बता रहे हैं, जो आपको आगे के चैप्टर पढ़ना फिर आपको बताएंगे कि दो का मैट्रिक्स को गुना हम लोग कैसे करते हैं और कब वह गुना संभव है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ अभी आपको क्या बता रहे हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी संख्या से आप किसी मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो कैसे गुना करेंगे, ठीक है। आइए देखिए क्या है आपका स्केलर से आपको गुना करना है, यहाँ पर ए इक्वल टू दे दिया है आपसे, देखिए ए इक्वल टू दिया गया आपको 3, 4 - 2 7, 8 फिर नहीं, ठीक है। कितना बाई कितना का आप यहाँ से देखिए 2/3 का, आपसे पूछेगा आपसे कि 5a बराबर बताइए, ठीक है 5a या 6a, ठीक है आपको -2a, इस प्रकार से आपसे जब भी पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि किसी स्केलर से हमको a में गुना करना है। चाहिए हम किसी स्केलर में a से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम 5a बराबर निकाल रहे, तो 5 * a तो 5 से a में गुना करना है, तो 5a तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स लिख दीजिए 5a - 5 × a = 5 × a, 5 × 2a, 5 × 2a, 7, 8 और 9। अब इस 5, 6 के सब एलिमेंट में हम लोग गुना कर देंगे तो 5 किया कितना हो जाएगा फिर 15, 5 से 4 में तो 20, 5 से 2 में तो -10, 7 × 5 = 35, 8 से 5 में 40, 9 × 5 = 45। यह जो आपका आंसर हो गया स्केलर क्वांटिटी, यही आपका क्या है 5a का वैल्यू इतना होगा। फिर आइए 6a दिया हुआ है, किसी भी को गुना करना है तो उसके सब एलिमेंट में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट में गुना होगा, तभी यह मैट्रिक्स का स्केलर गुना होगा नहीं तो नहीं होगा। आइए देखिए फिर यहाँ 6a दिया हुआ है तो क्या है आपको इस 6a = मतलब 6 * a तो a को हटाइए उसके मान में मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को बैठाइए। आइए a का आपका क्या है 3 है 4 है -2 है 7 8 और 9 है, 6 से गुना कीजिएगा तो 6 * 3 = 18, 4 × 6 का कितना होगा आप देखिए 24, फिर यहाँ 6 * 2 = 12, फिर 7 × 6 = 42, 8 × 6 = 48, फिर यहाँ आपको 6 * 9 = 54, यह आपका जो हुआ क्या होगा 6। इसी प्रकार से आप -2a देगा ध्यान समझिएगा -2a तो आप फिर -2 * a, ठीक है फिर आप गुना कीजिएगा a से, ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखिएगा -2 * a तो a से आप क्या कीजिएगा फिर गुना कीजिएगा, ठीक है। तो a में क्या है आपको फिर देखिए 3 है 4 है और -2 है तो फिर आप 7 8 फिर क्या है आपका 9, तो आप क्या कीजिएगा फिर क्या कीजिए गुना कर दीजिए -2 से 3 में तो आपका हो जाएगा -6, फिर -2 से 4 में तो -8,
फिर माइनस टू से माइनस टू में तो प्लस फोर, माइनस टू से सेवन में तो आपका हो जाएगा कितना माइनस चौदह, आठ से दो में तो माइनस सोलह, फिर दो से नाइन में तो माइनस अठारह, यह आपका आ गया कितना माइनस टू ए बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे की बात करते हैं घटाव का। घटाव आपका क्या है ध्यान से समझिएगा, आप हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको जब दिक्कत हो तो कॉल कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, आपको उस समय फिर आपको बताया जाएगा। आप यह सभी बात को कॉपी में नोट कीजिएगा। आइए हम घटाव बताते हैं आपको, दो को मैट्रिक्स से घटाते कैसे, भाई जैसे जोड़ है उसी प्रकार से आपको क्या है घटाव, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सिर्फ आपको क्या करना है घटा देना है।